मैं सचिन खत्तावी और आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज के वीडियो बजाज अवेंजर स्ट्रीट 160 BS6 बाइक पर। इससे पहले कहना चाहूंगा, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई जैसा कि आपको पता है, आज का वीडियो बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 BS6 बाइक के ऊपर होने वाला है। और आपको भाई अलवर की तरह सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ कि जो चीज़ हमें बजट में फिट होती है सबसे पहले वही चीज़ परचेज करता है। आइए सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। एक्सोरूम प्राइस है इसका 89,536 रुपये का, जिसमें से RTO अमाउंट है 10,046 रुपये का। इंश्योरेंस अमाउंट है 8,645 रुपये का। अदर चार्जेस है इसके 2,547 रुपये के, जिसमें से दो चीज़ें इंक्लूड होगी। पहला होगा हेडलाइट चार्ज 1,947 रुपये का, और स्मार्ट कार्ड है 200 रुपये का। टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसके 400 रुपये अलग से लगेंगे। टोटल ऑन रोड प्राइस आपको 1,10,774 रुपये की पड़ेगी। अब बात करते हैं कलर्स की, तो दो कलर्स देखने की मिलेंगे, एक तो स्पाइसी रेड और इवोनी ब्लैक, जो कि आपको भाई दोनों ही कलर वीडियो के अंदर दिखा चुका है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन की, तो इंजन टाइप का ट्विन स्पार्क 2 बल्ब DTSI इंजन एयर कूल्ड है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 160 सीसी की बाइक है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। मतलब मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई इसको कितनी हाइट वाला इंसान चला सकता है, अगर कम हाइट हो चाहे बड़ी ज़्यादा हाइट हो तो दोनों ही चला सकते हैं इसको। बहुत ही प्यारी बाइक लगती है। मैक्सिमम पावर इसकी 15 PS एंड 8,500 RPM की है। मैक्सिमम टॉर्क 13.5 Nm एंड 7,000 RPM की है। नंबर ऑफ सिलेंडर एक देखने को मिलेगा। कूलिंग सिस्टम इसमें एयर कूल्ड है, मतलब एयर से ही कूल्ड हो जाती है। और बल्ब पर सिलेंडर दो देखने के मिलेंगे। ड्राइव पे इसमें चेन ड्राइव है और स्टार्टिंग इसमें सेल्फ स्टार्ट है, किक स्टार्ट नहीं है। इसके भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं काफ़ी कि भाई अवेंजर के अंदर मतलब किक स्टार्ट मिलती है नहीं, तो मैं बता दूं किक स्टार्ट नहीं मिलती, ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलती है। फ्यूल सप्लाई फ्यूल इंजेक्शन थ्रू है, और क्लच इसका वेट मल्टी प्लेट के साथ है। ट्रांसमिशन इसमें मैनुअल है। जैसे कि अब बात करते हैं गेयर बॉक्स की, तो गेयर इसकी 5 स्पीड है, जैसे कि हमें लग रहा था कि भाई 6 स्पीड वो 6 गियर्स में देखने के लिए मिलेगी बाइक, लेकिन नहीं, ये 5 गियर में ही देखने के लिए मिली है। बोर है इसका 58 mm का और स्टॉक है 60.7 mm का। एमिशन टाइप जैसे कि आपको पता है ये BS6 बाइक है। अब बात करते हैं फीचर्स एंड सेफ्टी की, तो ABS इसमें सिंगल चैनल ABS देखने के लिए मिलेगा, और कंसोल डिजिटल में देखेंगे, और पास स्विच इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लॉक की फैसिलिटीज दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है ये बाइक काफ़ी। और पैसेंजर फुटप्रेस इसके अंदर देखने को मिलेगा। चैसिस एंड सस्पेंशन की बात करते हैं तो चैसिस इसके डायमंड शेप में होंगे, और बॉडी टाइप में क्रोशियर बाइक्स में देखने को मिलेगी। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक विथ 130 mm फॉर ट्रेवल के साथ है, और रेयर सस्पेंशन इसमें ट्विन शॉक के साथ है। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड कैपेसिटी की, तो लेंथ है इसकी 2,210 mm की, और विड्थ है इसकी 806 mm की। हाइट के बारे में बात करते हैं तो हाइट है इसकी 1,070 mm की, और फ्यूल कैपेसिटी 13 लीटर की, जो कि काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। और फ्यूल रिजर्व में 3.8 लीटर रहेगा इसके अंदर, मतलब 3.8 लीटर रहेगा। ग्राउंड एंड क्लियरेंस है इसमें 169 mm का, और वाइल्ड बेस है इसमें 1,490 mm का। कब वेट की बात करते हैं तो 154 kg की बाइक है, मतलब 154 kg की टोटल बाइक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो हेडलाइट इसमें हेलोजन है, जैसे कि हमें लगा था कि मतलब कि बजाज की तरफ से LED में देखने को मिलेगी, लेकिन टेल लाइट इसकी LED में देखने को मिलेगी। टर्न सिग्नल लैंप बल्ब में, और DRLS इसके अंदर देखने को मिलेगा। बैटरी टाइप काफ़ी अच्छी है इसकी, MF में देखने को मिलेगी, जिसे हम मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं, और बैटरी कैपेसिटी इसमें 12 वोल्ट की देखने को मिलेगी। लो बैटरी इंडिकेटर 12 वोल्ट की है, और लो बैटरी इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर।
टायर ब्रेक्स की बात करते हैं तो पहले टायर साइज की बात करते हैं। फ्रंट टायर्स में 90x90-17 का है और रियर टायर्स में 130x90-15 का है। अब टायर टाइप की बात करें तो टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस देखने को मिलेंगे। व्हील साइज की बात करते हैं तो फ्रंट व्हील इसमें 17 इंच का है और रियर व्हील इसमें 15 इंच का है। व्हील टाइप इसमें अलॉय है और फ्रंट ब्रेक इसमें डिस्क है और रियर ब्रेक इसमें ड्रम है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करते हैं तो वो 260 एम का है। रियर ब्रेक डायमीटर 130 एम का है और राइडल टायर भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी प्यारी बाइक लग रही है देखने में। अगर आप चाहते हो इसको लेना तो आप जाके अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके ले सकते हो। वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए आपको। भाई आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई देता है और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ जिस टॉपिक पर आप बोलते हो। अगर आप अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।